हेलो इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है सिविल गुर्दा सिविल टेंट शूटर। मैं कॉपर इंजीनियर पंकज कुमार। आज देखिए मैं टेंट इंजीनियर साहब साइट पे आए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉलम के बारे में हर एक डिटेल कि कॉलम में हमारा लैब कहाँ पे देंगे, लैब कितना देते हैं, हमारा एक बार से दूसरे बार के बीच में अगर लैब दे रहे तो कितना हमारा स्पेसिंग मेंटेन होना चाहिए, कॉलम में हम कवर कितना देंगे, ये सारा कुछ आज की वीडियो में इस कवर करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये कॉलम है। कॉलम की बात करें तो हमारे पास कितने मेन वायर हैं। मेन वायर हमारा हो गया 5 इस साइड 5 इस साइड 10, 3 इस साइड 3 इस साइड में टोटल मेन वायर इसमें कितना है, 16 हमारा क्या है मेन वायर है। और कितने का बार प्लेस किया गया है, 12 mm का। कॉलम में कभी भी हम अगर बार का प्लेसिंग कर रहे हैं तो मिनिमम डाया हमारा कितना होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए। 12 mm से कम का हम क्या करते हैं, मिनिमम डाया यूज नहीं करते हैं कॉलम के केस में। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम हमारा कितना बार होगा, 4 बार होगा। अगर हमारे पास सर्कुलर कॉलम है, अगर हम सर्कुलर कॉलम प्लेस कर रहे हैं तो वहां पर हमारा मिनिमम जो हमारा बार होगा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और बार का जो मिनिमम डाया होना चाहिए कितना होना चाहिए, 12 mm होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कितना मेन बार है, 16 है, सब कितना का है, 12 mm का है। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम में लैब कहाँ पे देंगे। कॉलम में तो अगर 5 फ्लोर 6 फ्लोर या 7 फ्लोर हमारा क्या बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है या बिल्डिंग बन रहा है, तो एक ही बार हमारा ग्राउंड फ्लोर से लेके हमारा 7 फ्लोर तक तो जाएगा नहीं। उसके लिए क्या देना पड़ेगा, लैब देना पड़ेगा। लैब देके हमारा क्या करना पड़ेगा, बार को हमारा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले लैब देते कहाँ है। तो लैब देखने के लिए हम क्या देंगे, सबसे पहले देखते हैं जंक्शन पॉइंट। जैसे कॉलम और बीम का जंक्शन पॉइंट होगा, जैसे ये हमारा स्लैब है तो स्लैब में हमारा यह है कॉलम, इसके नीचे हमारा क्या आया होगा, बीम आया होगा। ये हमारा कॉलम और बीम का क्या होगा, जंक्शन पॉइंट। इसी के जैसे हमारा क्या आएगा, ऊपर में हमारा एक स्लैब आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैब बीम प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ भी हमारा क्या होगा, कॉलम और बीम का क्या होगा, हमारा जंक्शन पॉइंट होगा। अब हम क्या देते हैं, अब देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं, कौन डिस्टेंस या किस जोन में हम क्या करेंगे कॉलम के लिए लैब देंगे। जैसे कि देख रहे हैं, अब जैसे कि देखिए कि ये हमारे पास एक फ्लोर हो गया, एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास ये स्लैब बीम आ गया। यहाँ से हमारा क्या है, ये कॉलम है, ये हमारे पास ये कॉलम है, एक स्लैब बीम इसके ऊपर आएगा। अब स्लैब बीम का मानते हैं कि कितना है, 350, यहाँ भी हमारा कितना, 350। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एल निकालना पड़ता है। अब एल हमारा क्या होगा, इसका क्लियर स्पेन, ये हमारा स्लैब का, इसके स्लैब बीम के इसका टॉप से इसके स्लैब बीम के हमारे बॉटम तक, यानी कि इसका ये क्लियर स्पेन। अब मानते हैं कि हमारा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्लियर स्पेन, इसका क्लियर स्पेन कितना होगा, ये 3 मीटर में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये स्लैब का इसका क्या करेंगे, स्लैब बीम का डेप्थ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.35। ये कितना आ जाएगा, 2650 mm, यानी कि 3000 mm में से क्या करेंगे, 350 mm माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2650 mm। अब हम जो लेते हैं क्या करेंगे, L/4 डिस्टेंस छोड़ते हैं, जंक्शन से L/4 डिस्टेंस छोड़ के, यानी जंक्शन हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉलम, ये हमारा बीम। जैसे ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, इसके नीचे क्या होगा, बीम होगा। तो ये जंक्शन बन गया, जैसे ही ऊपर है ये कॉलम, इसके ऊपर क्या आएगा, बीम आएगा, ये स्लैब कास्ट होगा। तो ऊपर एक हमारा क्या बन गया, जंक्शन बन गया। तो जो हम ये एल निकाले हैं, जो हमारा एल जो निकला है 2650, जो क्लियर स्पेन निकला है इस स्लैब बीम के टॉप से इस स्लैब के बीम के बॉटम तक, तो इसका क्या कर लेते हैं, इसका L/4, यानी कि जंक्शन से L/4 छोड़ना है, जंक्शन से L/4 डिस्टेंस। एल हमारा क्या होगा, जो हम ये क्लियर स्पेन निकाले हैं, इसका L/4, यानी L/4 हमारा कितना आएगा, 2650 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4। अब 2650 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे 662.5, यानी कि 663 mm, यानी कि इस जंक्शन से हम कितना, 663 mm ऊपर छोड़ेंगे। और यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, जंक्शन पॉइंट बन रहा है। तो इस जंक्शन से भी हम क्या करेंगे, L/4 डिस्टेंस छोड़ेंगे, यहाँ से भी L/4 डिस्टेंस क्या करेंगे, छोड़ेंगे, जो हमारा कितना होगा, 663, यानी इस जंक्शन से L/4 छोड़े, अब इस जंक्शन से L/4 छोड़े, और बीच का जो हमारा ये जो बचा डिस्टेंस, यानी L/2 जो हमारा बीच का जो बना, तो इस बीच वाले पोर्शन में हम क्या देंगे, लैप देंगे, यानी कि लैप हम कहाँ देंगे, कॉलम में। ये जंक्शन से L/4 छोड़ेंगे, ऊपर वाले जंक्शन से L/4 छोड़ेंगे, और बीच का जो हमारा डिस्टेंस बचेगा, अब बीच के डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, लैप देंगे। अब लैप देने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे सारा बार को क्या करते हैं, कट नहीं करवाते, जो बार का कटिंग करवाएंगे, बार का कटिंग कैसे करवाते हैं, जितना हमारा बार है तो एक जगह पे मैक्सिमम कितना कट करवाते हैं, 50% कट करवाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना है, 16 बार है, तो एक जगह पे हमारा कितना बार कटेगा, 8 ही बार मैक्सिमम कटेगा, और 8 बार उससे क्या होगा, अल्टरनेट मतलब 1 मीटर इससे ऊपर कटेगा, यानी 1 मीटर हमारा क्या होगा, उससे ऊपर कटेगा। जैसे कि ये बार हमारा क्या ऊपर है, तो ये बार हमारा क्या होगा, नीचे होगा, 1 मीटर इससे नीचे,
इससे जस्ट नेक्स्ट वाला बार क्या होगा, इससे ऊपर होगा एक मीटर, फिर इससे जस्ट इसके नेक्स्ट वाला बार क्या होगा, एक मीटर नीचे होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, अल्टरनेट हम क्या करते हैं, बार का कटिंग करवाते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे हम कितना देंगे 50% का ही क्या करते हैं, लैप प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो लैप लेंथ है, लैप लेंथ कितना देना चाहिए, कितना लैप देंगे हम, अगर कॉलम में हम लैप दे रहे हैं तो लैप कितना देते हैं, कॉलम में जो हम लैप दे रहे हैं कितना देंगे, 50D। 50D का डी क्या हो गया, हमारा डाई ऑफ बार, मैंने 12 mm का अगर हम बार यूज कर रहे हैं तो 50 × कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 600 mm का हमको क्या देना है, लैप देना है, ताकि इस बार का हमारा क्या हो सके, लोड इस बार पे हमारा क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। लैप इसलिए देते हैं ताकि इस बार का लोड हमारा इस बार पे क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। लैप लेंथ कितना देना है, 50D देना है। ये हमारा हो गया कि लैप कहाँ देंगे, जंक्शन से लेवाई फोर छोड़ के ऊपर से लेवाई छोड़ के, और क्या देंगे, अल्टरनेट देंगे, दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 1 meter का हमारा क्या होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए। और जो लैप दे रहे हैं, लैप हम कितना देंगे, 50D हम लैप देंगे। अब हम जो बार का ये प्लेसिंग करते हैं, जो हम बार लगाएंगे, जैसे हमारा कॉलम का साइज हो गया 400x400 या 450x600 या 250x400 हमारा कॉलम का साइज हो गया, तो कॉलम हम क्या करेंगे, बार का हम प्लेसिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कवर लगाते हैं, बार जब भी प्लेसिंग करेंगे उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कवर लगाते हैं। तो कॉलम की जो केस में है, कॉलम के केस में हम लोग जो कवर देंगे वो कितना देंगे, 40 mm का कवर देंगे। 40 mm का कवर इसलिए देते हैं, कवर प्रोवाइड करना हमारे साइड पे क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कवर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो रेनफोर्समेंट जो है हमारा क्या जाएगा, एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में, तो इसमें क्या आएगा, इसमें रस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो जो बॉन्डिंग हमारा ये कॉन्क्रीट के साथ बनाया है वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रीजन ये है कि इसको एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आने से बचाते हैं। दूसरा, अगर ये हमारा कॉन्क्रीट के बीच में जाएगा, ये बार कॉन्क्रीट के बीच में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छे से बन पाएगा। तो ये सब रीजन से हम लोग क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। कॉलम के केस में याद रखना है, कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, 40 mm क्या करेंगे, कवर प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास क्या है, ये कॉलम है, हमारे पास ये कॉलम। अब कॉलम को कास्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नीचे में एक बेस बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर। सबसे पहले स्टार्टर कास्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग कॉलम कास्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टर कास्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार्टर कास्ट है, स्टार्टर हम उतना ही कास्ट करेंगे जितना हमारा क्या है, कॉलम का साइज है। अगर 400x400 का तो हमारा कॉलम है, तो स्टार्टर का साइज हमारा कितना रहेगा, 400x400 का हमारा क्या रहेगा, यह स्टार्टर का साइज रहेगा। और स्टार्टर का जो हाइट कास्ट करते हैं वो हम कितना लेते हैं, 4 inch का लेते हैं। स्टार्टर इसीलिए कास्ट करते हैं क्योंकि हम कॉलम का क्या करेंगे, सटरिंग लगाएंगे। तो सटरिंग लगाने के लिए हमारा क्या है, नीचे का हमारा ये क्या करेगा, बेस प्रोवाइड करेगा ताकि सटरिंग हम अच्छे से प्लेस कर सके। और जितना हम कवर जो मेंटेन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो सके, कवर मेंटेन हो सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर कास्ट करते हैं। तो कभी अपने साइड पे अगर कॉलम का कॉन्क्रीटिंग करवाना हो तो उससे पहले अपने साइड पे देखेंगे कि हमारा स्टार्टर कास्ट है या नहीं है। अगर स्टार्टर नहीं कास्ट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टर का कास्ट करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आज हम लोग कॉलम में क्या जाने हैं, कॉलम में हम लैप कहाँ पे देंगे, लैप लेंथ कितना देंगे, कॉलम का जो हम लैप दे रहे हैं एक पॉइंट पे हम कितने जगह कितने बार का हम क्या कर दे सकते हैं, लैप दे सकते हैं, मैक्सिमम जो कितना दे सकते हैं, 50% दे सकते हैं। स्टार्टर क्यों कास्ट करते हैं, कॉलम में कवर कितना देते हैं, आज हमें सारा क्लियर हो गया। ऑप्शन इंजीनियर आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी सीधा से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सिविल गवर्नमेंट फॉर्म को, कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। मिलते हैं इंजीनियर साहब, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।